पेटीएम डेली SIP क्या है, कैसे इसका शुरुआत कर सकते हैं और कैसे यहाँ पे हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना होगा, कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सब कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाए और फिर आप लोग ईजिली यहाँ पर अपना पेटीएम का डेली SIP इन्वेस्टमेंट जो है स्टार्ट कर पाओ। तो चलिए जानते हैं सब कुछ पूरे डिटेल में और मैं आपको बताता हूँ कैसे आप लोग इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए जानते हैं यहां पे सब कुछ पूरे डिटेल में। यहां पे आपको बहुत सारे बैनर चलते हुए शो करेंगे। यहां पे आप लोग अगर देखोगे तो आपको लास्ट वाले बैनर पे कुछ इस प्रकार से शो करेगा स्टार्ट म्यूचुअल फंड SIP और यहाँ पे देख सकते हो डेली म्यूचुअल फंड SIP सही है करके मिलेगा, या फिर आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो डेली MF SIP यानी डेली म्यूचुअल फंड SIP। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे एक पेज जो है ओपन हो जाता है और इसके बाद जो आय का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको शो करेगा जहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पेटीएम डेली SIP सबसे ऊपर दिखेगा, उसके बाद है इंट्रोड्यूसिंग फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया और आप लोग यहाँ पे देख पाओगे डेली SIP इन म्यूचुअल फंड करके शो करेगा जहाँ पे आपको सेलेक्ट अमाउंट एंड फंड करना होता है, फिर कम्प्लीट KYC करना होता है, फिर पे विथ पॉपुलर बैंक जो भी है आप लोग जो भी बैंक यूज करते हो उससे आपको पे करना होता है। अब यहाँ पे आप लोग जो है 21 रुपीज़ जो कि पॉपुलर है ज़्यादा लोग कर रहे हैं 101, 201, 501 और 1001 करके आप लोग कर सकते हो डेली के लिए। यहाँ पे आपको अलग अलग यहाँ पे जो है फंड मिलते हैं जिसको आप लोग चेंज भी कर सकते हो। सबसे पहला है आप देख सकते हो ICICI प्रोडेंशियल मल्टी एसेस्ट फंड ग्रोथ और उसके बाद है ब्लू चिप फंड रेगुलर ग्रोथ और उसके बाद यहाँ पे आपको ICICI का प्रोडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ग्रोथ मिल जाता है जिसमें आप लोग मात्र 21 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। अब ये सारे जो है सेवी रिस्को मीटर देख लीजिएगा जिसमें आपको सबसे पहला है उसमें भी वेरी हाई है, जो ब्लू चिप फंड है उसमें भी आपको वेरी हाई है और यहाँ पे ICICI प्रोडेंशियल अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो है उसमें मॉडरेट है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को देख लीजिएगा अच्छे से, इनके बारे में डिटेल देख लीजिएगा, उसके बाद इन तीनों में से जो भी आपको चाहे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा डिटेल बताया गया है कि हाउ डेली SIP वर्क्स, कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी जहाँ पर आपको बताया जाता है कि विल पेमेंट विल डिडक्टेड ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज और यहाँ पे आपको ये शो कर जाता है जहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यस वी डिडक्टेड पेमेंट एवरी डे इंक्लूडिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडेज, हाउएवर ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडे द अमाउंट इज इन्वेस्टेड ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग डे नेक्स्ट वर्किंग डे। तो इस हिसाब से पूरा वर्क करता है। उसके बाद है कि व्हेन विल द पेमेंट वी डिडक्टेड फ्रॉम माई बैंक अकाउंट, तो कब कब यहाँ से आपका जो है बैंक अकाउंट से पैसे जो है डिडक्ट होंगे, तो फर्स्ट डिडक्शन जो है ड्यूरिंग डेली SIP रजिस्ट्रेशन के टाइम होगा, सेकेंड डिडक्शन T+3 वर्किंग डेज और थर्ड जो है एंड फ्यूचर डिडक्शन है डेली देयर आफ्टर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है व्हेन विल आई सी द अलॉटेड यूनिट्स इन द ऐप, सबसे पहला है इफ पेमेंट इज मेड बाय 3 PM यहाँ पे बताया जाता है कि यूनिट्स अपीयर ऑन T+1 वर्किंग डेज आफ्टर 3 PM। उसके बाद जो दूसरा है कि इफ पेमेंट इज मेड आफ्टर 3 PM तो ये बताया गया है कि यूनिट्स अपीयर ऑन T+2 वर्किंग डेज आफ्टर 3 PM। उसके बाद यहाँ पे व्हाट फंड हाउसेस एंड स्कीम कैन आई इन्वेस्ट, तो यहाँ पे आपको 3 ऑफर किए गए हैं स्कीम करेंटली जो कि ICICI प्रूडेंशियल है और यहाँ पे और भी ज़्यादा यहाँ पे स्कीम जो है फंड जो है ऐड होने वाले हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा चेकआउट करते रहिएगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद है कि व्हाट अमाउंट कैन आई चूज टू स्टार्ट माई SIP, तो यहाँ पे है कि यू कैन चूज फ्रॉम 6 अवेलेबल ऑप्शन जिसमें 21, 51, 101, 201, 501 एंड 1001 करके आपको शो कर जाता है। इसके बाद यहाँ पे कैन आई एडजस्ट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बताया गया है करंटली वी डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ चेंजिंग इट टू मंथली वीकली SIP। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट जो है उसको अभी एडजस्ट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो आप राइज रिक्वेस्ट कर सकते हो, वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर यू, यहाँ पे जो भी आपका दिक्कत है राइज रिक्वेस्ट में आकर पूछ सकते हो और यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा जिसमें गेटिंग इनवैलिड पेन एरर व्हाट स्टेप आर टू
बी टेकन नेक्स्ट। तो ये सभी चीजें यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझा दिया गया है। पैन नंबर इज ऑलरेडी लिंक्ड विद अनदर अकाउंट, व्हाट स्टेप्स आर टू बी टेकन नेक्स्ट, तो भी यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है। उसके बाद है कि आई एम अनेबल टू स्टार्ट डेली एसआईपी एज इट सेज दैट माई पैन कार्ड इज ब्लॉक, तो इसके बारे में पूरा डिटेल बताया गया है। फिर ऐसे ही करके बहुत सारे यहाँ पे आपके क्वेश्चन और इसके आंसर दिए गए हैं, जिसको आप लोग इजिली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कैन आई अपडेट माई नॉमिनी एनी टाइम, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ यहाँ पे और भी जो आपके सारे जो भी क्वेरी है यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपको कोई भी आगे दिक्कत ना हो। और यहाँ पे आपको स्टार्ट विद डेली जो करना है 21 से 51 से जो भी करना चाहो, लाइक अगर 51 से आपको करना है, यहाँ पे आपको पैन नंबर अपना डाल देना होगा, उसके बाद कंफर्म पैन डिटेल के बाद आगे बढ़ना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, सैलरी, बिजनेस, अदर्स, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है उसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट योर एनुअल इनकम जो है बिलो 1 लाख है, 1 to 10 लाख है, 10 लाख अबव है, तो ये सभी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे करके सबमिट डिटेल कर देना है। उसके बाद अपना बैंक जो है आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, फिर आपका यहाँ पे डेली एसआईपी जो है स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग इसका लाभ उठा पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।